गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं संगीता भाजपा मैडम कक्षा 6वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ाती हूँ। देखो बच्चों, हम लोगों ने पूर्णांक संख्याओं का जोड़ तथा घटाव, ये जो हम भाग पढ़ रहे हैं, इनका अध्ययन कर रहे हैं। इसमें से पूर्णांक संख्याओं का घटाव किस तरह से किया जाता है, इसका अध्ययन कुछ वीडियो में किया है। अभी हम लोग प्रश्न संग्रह 8 जो है वो उसमें ही पूर्णांक संख्याओं के घटाव के उदाहरण हल करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, यहाँ पर पूर्णांक संख्याओं के घटाव के इस तरह से प्रश्न संग्रह 8 में इस तरह से ऊर्ध्वाधर स्तंभ में ये गणित करके दिखाए हैं, और इन गणितों को हम लोगों को किस तरह से हल करना है वो मैं दिखाती हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो, 3 3 ऋण 6, उसके बाद 3 ऋण 9, 3 ऋण 4, 3 ऋण 5, 3 ऋण 0, 3 ऋण 7, 3 ऋण 8, उसके बाद 3 ऋण 3। ये जो गणित है वो आप लोगों को सबसे पहले किस तरह से हल करने के हैं वो मैं आपको करके दिखाती हूँ, और बाकी के जो गणित है वो आप लोगों को डायरेक्ट यहाँ पर उत्तर न लिखते हुए पहले कॉपी में हल करना है और उसके बाद यहाँ पर उसका उत्तर लिखना है। तो देखो, यहाँ पर मैंने वो जो गणित है वो जो आपके सारणी में दिए हैं वो यहाँ पर मैंने करके दिखाए हैं। जैसे कि पहला गणित है 3 ऋण 6। अभी देखो, यहाँ पर दोनों में बड़ी संख्या 6 है, 6 में से 3 घटाया तो 3 आएगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का है वो यहाँ पर लिख दिया है। दूसरा है 3 ऋण 9। अभी यहाँ पर भी बड़ी संख्या 9 है, 9 में से 3 घटाए तो 6, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का है वो यहाँ पर लिख दिया है, इसलिए उत्तर आ गया 6। तीसरा है 3 ऋण 4। देखो, अभी यहाँ पर आपको घटाव का वो एक नियम बताया गया है कि पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाना इसका मतलब होता है, तो दूसरी संख्या जो है उसके विपरीत संख्या को यहाँ पर जोड़ना है, इसलिए पहली संख्या जैसी की वैसी लिखी है, दूसरी संख्या 4 है उसकी विपरीत संख्या आएगी 4, और फिर उसको जोड़ने का है, इसलिए 3 ÷ 4 हो जाएंगे, तो इसलिए उत्तर आएगा 3 ÷ 4 यानी 7। उसके बाद 3 ÷ 5। अभी यहाँ पर भी 5 की विपरीत संख्या 5 होगी, और उसको यहाँ पर क्या करने का है, जोड़ने का है, इसलिए 3 ÷ 5, इसका मतलब 3 ÷ 5 यानी 8। उसके बाद 3 ÷ 0 = 3, 3 में से 0 घटाए तो उत्तर 3 आएगा। छठवा है 3 ÷ 7। अभी यहाँ पर 7 की विपरीत संख्या 7 रहेगी, और उसको जोड़ने का है, और यहाँ पर 3 ÷ 7, तो इसलिए 1 ÷ 1 तो ऋण हो जाएंगे, 7 में से 3 घटाए तो 4, और बड़ी संख्या का चिन्ह ऋण का तो वो यहाँ पर दे दिया। उसके बाद है 3 ÷ 8। अभी 8 की विपरीत संख्या 8, और यहाँ पर उसको घटाव के बदले जोड़ने का है, इसलिए 3 ÷ 8 यानी 3 ÷ 8 यानी 11। उसके बाद 3 ÷ 3। अभी यहाँ पर 3 की विपरीत संख्या 3, और यहाँ पर उसको धन करने का है क्योंकि जोड़ने का है, इसलिए 3 ÷ 3 यानी 3 ÷ 3 = 6। तो इस तरह से हम लोगों को ये जो बाकी के जो सारणी के गणित बचे हुए हैं, देखो यहाँ पर ये जो बाकी के गणित है 8 ÷ 3 ÷ 2 के, इनके भी गणित जो है वो आप लोगों को जैसे मैंने आपको यहाँ पर नोटबुक में करके दिखाए वैसे ही आप लोगों को ये हल करने के हैं, आपको डायरेक्ट सारणी में उत्तर नहीं लिखना है। तो इस तरह से आप लोगों को ये आज का होमवर्क है कि ये जो प्रश्न संग्रह 8 जो दिया है उसको आप लोगों को इसी प्रकार हल करने का है, लेकिन डायरेक्ट सारणी में उत्तर न लिखते हुए इस तरह से आप लोगों को हल करते हुए लिखने का है। धन्यवाद।